अरे रामलाल, भांग रेडी हुई कि नहीं? ड्रम भर के। क्या बात है, पूरे गांव को भांग पिला रहे हैं भैया, क्या बात है, वहा भर के भांग रखी है। एक काम कर, एक गिलास भांग हमें भी बना दे, होली का शगुन हो जाए मेरा भैया। भैया पैसे निकालो। कैसा अजीब आदमी है मेरा भैया तू है, ये तो भगवान का प्रसाद है यार, इसके भी कोई पैसे लेता है। वैसे भी छटंकी ने अपनी जिंदगी में कोई चीज पैसे से खरीदी ना, तो यार तू हमसे कह रहे हैं कैसी बातें कर रहे हैं, जो भी चीली छीन ली हमने, बदतमीज आदमी। खैर हम तो भगवान के चमत्कार पे विश्वास करते हैं मेरा बेटा। खैर कोई बात ना, नहीं दे रहा कोई बात ना। अरे ये भांग के ड्रम में गिर गया ससुर का नाती, ये तो गया। अरे यार ये पापा ना कुछ कर ही देते हैं और रायता फैला देते हैं हर बार, कैसे कर लेते हैं यार ये। एलाइसी जी शांत हो जाइए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, एक काम करना अपना अच्छे से यहाँ पे दुकान संभाल लेना मेरे पापा की, और वहां पे मैं बोरिंग सी होली मतलब खेलूंगी ऐसे तिलक लगाने वाली सर पे, और बस हो गया, हैप्पी होली। यार ये हमारे कितने अरमान थे ना। कितने अरमान थे, कैसे भाग भाग के मैं आपके ऐसे रंग लगाऊंगी, ऐसे भांग पियेंगे हम लोग, और फिर एकदम से मतलब कलर वाली बाल्टी में आपका मुंह ऐसे फचक से मारूंगी, कितना मजा आएगा। अरे कहां से खेलेंगे होली, यहाँ बताओ, अच्छे खासे मुर्दे में प्राण फूंके, नानी को जिंदा किया, लेकिन क्या फायदा हुआ नानी को जिंदा करने से, कोई फायदा ना हुआ नानी को जिंदा करने से। सेठ जी ने जो है ना होली के प्लान पर कुकुर मुत्ता बो दिया। पेंटर जी कुकुर मुत्ता बोने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। देखिए लाइजी जी, हमें पता है क्या लग रहा है, ये ना किस्मत का इशारा है। अब देखिए, एक बारी हमने ट्राई किया, एक बारी आपने ट्राई किया, किसी का तुक्का नहीं लगा। अब ना हमें ऐसा लग रहा है कि सितारे ये कह रहे हैं कि हमें ना ये होली नहीं मनानी चाहिए, बस। एस्ट्रोलॉजर हो ना, नहीं मनानी चाहिए होली, नहीं मनानी मत मनाओ, क्योंकि आपको तो दिल नहीं है ना कि मुझे प्यार से रंग लगाओ मेरे गालों पर, या फिर रंग लगाने के बहाने मुझे छेड़ जाओ, नहीं मनना है ना, मत करो मत करो ना। वो तो हम कब का छेड़ चुके हैं। हमारे कहने का मतलब था अपने सपनों में। बहुत बढ़िया, सपने में ही होली मना लेना फिर, कुछ नहीं हो सकता आपसे, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप इलायची जी, हम सब कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे, बताइए क्या करना है। हाँ मैं तो सब कुछ बताऊंगी ना, क्योंकि मैं तो आइंस्टाइन हो रखी हूँ ना, कि यहाँ पे छत पे बैठ के थ्योरीज निपटाऊंगी आप लोगों की, है ना। अच्छा खासा मतलब नानी जिंदा हुई थी तो लगा था कि होली मना पाएंगे, लेकिन इससे बेटर तो नानी मरी हुई थी अभी। आ गया कौन, आइंस्टाइन, आइडिया आइंस्टाइन। ओ अब हमें नानी को वापस मारना पड़ेगा। अरे यार एक बार नानी मरेगी तभी तो हम कुसुम मौसी क्या होली बनाने से बच जाएंगे। अरे रब्बा इलू, तू तो ना सच्ची आइंस्टाइन ही है, तू आइंस्टाइन ही है सच्ची, है ना। चलो अभी नाटक में थोड़ी देर में शुरू करते हैं। ओके ओके रेडी गाइस, एकदम रेडी है लाइजी जी। अरे हम तो कब से रेडी बैठे, रेडी का हम तो एक बार रेडी बैठे हैं मतलब। हेलो, भांग के पकौड़े? अबे भांग के पकौड़े ना मिलते हैं यहाँ पे, दूंगा अभी टेलीफोन में घुस कर सीधा गाल पे बता रहा हूँ, रख। अबे सुन बर्तन, अरे हाँ वही सुन, तू टेलीफोन एक्सचेंज जाके ना सबसे पहले ये शिकायत कर कि मेरे टेलीफोन पे पता नहीं कहाँ कहाँ उल्टे सीधे फोन आते रहते हैं यार। हाँ सेठ जी हम खुद परेशान हो गए, कुकुर मुत्ता परेशान करके रखा हुआ है। सेठ जी हाँ, आपको पता है हम बड़े खुश हैं। अच्छा हमारी नानी जी जिंदा है। सेठ जी ये बात तो है। आए, आए।
जीजा, मेरे प्यारे प्यारे जीजा, बड़ा शैतान है, बड़ा लटकट है। बेकार की देख जीजा, इस होली के शुभ मुहूर्त में मैं तेरे को एक गिफ्ट देता, तुझे क्या याद रखेगा? एक बार रुक रुक रुक, ये देख, इसको क्या बोलते, टन टन घड़ी, तेरे लिए पकड़। चल अच्छी बात है, कुछ लाया है तो तुझसे उम्मीद तो। अबे ओए छटकी, ये मेरी घड़ी है जो पिछले महीने गायब हो रखी थी। अरे तो कैसी बातें करता है भला आदमी, मारूंगा चमक खेत के तो मुंडी उधर घूम जाएगी। अरे बताओ, हमारे रहते हुए कोई चीज गुम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे प्यारे जीजा जी, वरना हमारे हाथ की सफाई की बेइज्जती हो जाएगी। हमने चुराई थी ये घड़ी। हैप्पी होली। तूने भांग पी रखी है? भांग पी है मैंने? तुम मुझसे कह रहे कि मैं भांग पी है? अरे भाई, मैंने कोई भांग वांग नहीं पी है, मैं तो भांग के ड्रम में गिर गया था, भांग मुझे पी गई। इलायची के पापा, हाँ। ये लो चाय और शक्कर पारे। जी जी, मैं देखते हैं लिए क्या लेके आया हूँ। अरे तू भी क्या याद रखे, किससे पाला पड़ा था तेरा। ये पका। आंगन में पड़ी थी तो वो हमने रख ली, संभाल के एकदम एकदम सही करके फिट करके रख ली। मुझे क्या हो गया, अब क्या करेंगे भगवान? भगवान, जब दुखों के ओले गिराने थे तो सुख की धूप क्यों दिखाई, क्यों दिखाई? अरे क्या हो गया है बुबू तुम्हें, हमें बताओ तो सही। कैसे बताऊं? इलायची जी बताइए, बबू क्या हुआ है, हमें बताइए, हमारा दिल बैठा जा रहा है। अरे तू अपना दिल कितने मूड़े पे बैठा ले, बात कर रहे हैं, मुझे बात करने देना। हाँ बता बता, बता। पूरी बात बता इलायची। पापा पापा, मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, पता नहीं जीजा जी ये तुक्का थपेड़ा सह भी पाएंगे कि नहीं। इलायची जी, हम सब सहन कर सकते हैं, आप बताइए तो सही। हाँ बताओ बता। ना सेठ जी ने बता बता बता। नानी जी, नानी जी जिस ऑटो ऑटो में बैठ के निकली थी। हाँ। क्या हुआ ऑटो का, मतलब क्या मतलब, टायर पंचर हो गया? नहीं वो ऑटो, तो ऑटो वाला नानी को लेकर भाग गया? नहीं पापा वो ऑटो, तो क्या ऑटो ने जाने तो मना कर दिया? अरे सुन तो लो क्या बोल रही हूँ मैं। हाँ तो बोल। ऑटो ऑटो खाई में गिर गया और नानी जी भी उसके साथ। अबे नानी, नानी चली गई ऑटो, ऑटो के साथ ऊपर चली गई, ऊपर नानी, नानी चली गई। अरे ये हमारी नानी, मेरे तो भागे फूट गए। अरे सुन पतंग, सीढ़ी पर जाओ। अरे हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि तू जरा थोड़ा सा हिम्मत रख। देख मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तेरी नानी और यमराज में ना लुका छुपी का खेल चल रहा था, लेकिन तू तो जानता ही है कि यमराज का थप्पा इतना भारी पड़ता है कि उसके थप्पे से कोई ना बच पाया आज तक। सेठ जी हमें समझ में नहीं आ रहा, हम अपनी नानी के बिना कैसे रहेंगे सेठ जी, कैसे रहेंगे? मैं चलती हूँ, वो कसम मौसी का जाना है तो पैकिंग करनी है। अरे इलायची रुक, कैसी बातें कर रही है तू, यहाँ बेचारे पंचम की नानी गुजर गई है और हम लोग होली मनाएंगे। इलायची के पापा फोन करके मना कर दो कुसुम को। मैं मना कर रहा हूँ, तू सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है।
हेलो कुसुम। प्रणाम जीजा जी, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक तो है ना? ना कुछ भी ठीक ना है कुसुम। वो बात ऐसी है कि जो मेरी दुकान पे लड़का काम करता है ना पतंग, अरे हाँ वही, उसकी नानी जो है गुजर गई है। अब समझ रहे कि उसकी नानी मतलब एक तरीके से हम सब की नानी, तो हम लोग जो है होली ना मना पा रहे हैं, इसलिए हम आ ना पाएंगे तेरे पास होली पे। लो, मैं भी आप ही को फोन करने वाली थी। दरअसल क्या है ना जीजा जी, इनकी नानी गुजर गई है। तो आज दोपहर की ट्रेन से हम सब सिलीगुड़ी जा रहे हैं। अच्छा वो आपने फोन कर लिया। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। हाँ तुम लोग भी ध्यान रखियो हैं। ठीक है चल बाय। ले कद्दू 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 कद्दू। जीजा जी कहाँ रह गए यार? अरे आते होंगे, मर्दों को थोड़ा टाइम लगता आने जाने में, लेडीज थोड़ी फड़क से आ जाए। मैं ना बता दूं, अगर मेरी होली नहीं मनी ना तो देख लेना आपका लेडीज वेडीज सब निकल जाएगा यहाँ पे। अरे आप क्यों गुस्से में आ गए? क्या कहाँ रह गए थे? अरे सेठ जी को सेट करना पड़ता है यार, ऐसे थोड़ी ना मान जाते हैं। अगर सब सेट हो गए तो मैं कुछ सेट करूँ यहाँ पर? जी यार, ये कुसुम मौसी ना किसी दिन मुझे मिल गई ना, मैं उनकी बैंड बजा दूंगी। पहले नहीं बता सकती कि सिलीगुड़ी जा रही है वो? भैया हमको तो यही समझ ना आ रहा कि पता नहीं किसने लिखा, अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात जो है उसे मिलाने की जुगाड़ में लग जाती है। यहाँ तो कायनात ही लगी पड़ी है रायता फैलाने में प्रेम कहानी का। पिंटू जी कायनात की रायता फैलाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अच्छे से करो। अरे क्या बड़े आइटम हो यार दोनों, इतनी टेंशन ये सेल्फियां खींच रहे हैं, ये लोग होली नहीं मना सकते। ए ललित अंकल, ये सब तेरी वजह से हुआ है समझा? मेरी वजह से क्या हो रखा, मैंने क्या किया है? क्या किया? तूने मना कर दिया था, फिर क्यों बन क्या है? नानी बनने का बड़ा शौक है तुझे। आया क्यों है, आया क्यों है? अरे मदद करने आया हूं तेरी। तेरे को पता कितनी प्रॉब्लम हुई थी? वो बगल वाली रीता आंटी के कपड़े चुरा के भाग रहा था, उनके पति ने देख लिया, 4 किलोमीटर दौड़ा दौड़ा के भगाया मुझे। नहीं लाइसी जी, इसमें ललित अंकल सही कह रहे हैं, अब इसमें इनकी क्या गलती है यार? इन्हें जब मारना था मार दिया, जब जिंदा करना था तब जिंदा कर दिया। हमें ऐसा लगता है कि ये बाजी हमारे हाथ से निकल चुकी है, मतलब एलाइची जी नानी मर चुकी है। सुनो एक ही रास्ता बचा अब हमारे पास। क्या? नानी को वापस से जिंदा कर देते हैं। हाँ ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हैं आप एलाइची जी? हाँ सॉरी, मतलब एलाइची जी हम ये कह रहे थे कि नानी एक बार ही बच गई, बार बार थोड़ी ना बचेगी। अब आप कैसे कैसे सेठ जी को सेठ जी मान जाएंगे? अरे मान जाएंगे, क्यों नहीं मानेंगे, किस्मत भी एक चीज होती है। अरे नानी का टाइम नहीं आया था इसलिए यमराज जी ने पार्सल वापस लौटा दिया, सिंपल। ओए ललित अंकल। क्या? नहीं नहीं बहुत हुआ इलू, मैं अब वो रीटा आंटी के कपड़े नहीं चुराने वाला, और वो भी उस इंसान के लिए जो मुझे अंकल बना के बैठी है। इट हर्ट यार। लल्लू अभी काम खत्म नहीं हुआ है, मिशन अभी बाकी है मेरे दोस्त। नहीं नहीं मेरे को नहीं बनना, मैं नहीं बनूंगा नानी आने। अबे बन जाना यार, एक बार ही बन चुका है, हजारों बार पहले भी बन चुका होगा, बन जाना। ए इलायची ये नौकर को समझा ले यार, ये बीच में ना बोला कर, बहस करता है। अरे जीजा जी क्या है यार, उम्र में बड़े उनके उम्र का लिहाज करो यार, शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ, सही कह रही। ये क्या था इलायची, उम्र में बड़ा है, मेरे को नहीं बनना नानी वानी। सुन उठ निकल यहाँ से, निकल निकल निकल। और ना होली के दिन अपनी शक्ल मत दिखाई, हो हमारे साथ होली खेलनी है ना तो नानी बनना होगा, और नानी नहीं बनना तो निकल निकल। हेलो मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो नाराज हो गई। अरे तेरे बिना होली का तो हर रंग बेनूर है यार। बनूंगा ना मैं नानी, दोस्ती के लिए तो कुछ भी करूंगा, और तेरे लिए तो जान आज रहे हेलो। और तेरे लिए मुक्का। ए मुक्का वो कम लल्लू
So sweet you are. अगर तू नहीं होता तो मेरा क्या होता? कौन है ये? आ गया चंदा मांगने रात में। खड़की से मांगने आ जाते हैं चंदा। क्या है भाई? अबे लोटे, तेरे लुटिया में छेद कर दूंगा। तेरी यमुना में जो है वो एकदम डोंगी लगाते रहियो। बेहुदा आदमी एकदम। ओहो इलायची के पापा। अरे फिर से? फिर से क्या, मैंने नौता दिया उसे कि आके मेरे गाल पर रंग लगा जा, बात कर रही बेकार की। अरे ऐसा मैंने क्या बोल दिया, मेरे तो भाग ही फूट गए। देख करू कितना बेहुदा इंसान है। रात के 2:30 बजे पता नहीं कौन सा दौरा पड़ता है इसे। पूरे चांदी चौक में मेरे ही गाल मिलते हैं जरगने के लिए। तो तुमने ही सर पे चढ़ा रखा है। उस छोटे को भी तुमने सर पे चढ़ाया था, अब इस लोटे की भी हिम्मत देख लो। अरे कल ही दरोगा से शिकायत करूंगा इसकी। अरे छोटे का भाई ये तो क्या हुआ, अरे दो दिन से जो है पिचकारी बना घूम रहा है, रंगने आ जाता है रात को आके 2:30 बजे। इलायची के पापा रात बहुत हो गई है, सो जाओ, जो करना है कल निपटारा कर लेना। कद्दू सो जाऊं, रंग लगा सो जाऊं, पूरे शरीर में खुजली हो जाएगी मेरे। फिर कहेगी खुजली हो रही है, खुजली हो रही है, और फिर कहेगी तुम्हें बहुत खुजली है। जा रहा हूँ कौआ स्नान करने, तू सो जा। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे अरे दरोगा जी आपके इलाके में क्या हो रहा है, आपको कुछ पता भी है? सेठ जी क्या हो गया, क्या हो गया? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे वो लोटे है ना, वो रात को 2:30 बजे मेरे घर की खिड़की खुलवा के मेरे चेहरे में जो है रंग पोत गया। पता है आपका कुछ दरबार है या ना है? अरे सेठ जी हो सकता है सुबह सुबह उसको कहीं जाना हो इसलिए रात को आ गया वो। अच्छा पूरे चांदनी चौक में मैं ही अकेला मिला उसको अपने रंग लगाने की खुजली मिटाने के लिए अपने हाथों की। देखो दरोगा जी मैं कह रहा हूँ ये सब उसकी बदमाशी है, आप उसे बस धर लो, कैसे भी करके धर पकड़ो उसे बस। शेर जी आप क्या बात कर रहे हो, मतलब किसी को पिंकी जी होली खेलने के जुर्म में कैसे धर सकते हैं? हाँ उसने रात के 2:30 बजे आके आपको तंग किया है तो ठीक है, इस चीज के लिए पिंकी जी उसे पकड़ के उसे हड़का देंगे, डोंट वरी। हाँ दरोगा जी कुछ भी करो लेकिन वो जो लोटे है ना मेरे घर की चार दीवारी के आसपास भटकना भी ना चाहिए, मुझे ऐसी मजाक बिल्कुल पसंद ना है बस। अरे सेठ जी देख रही हो कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ रही है आपका, थोड़ा ठंडे हो जाओ। ये आ गया मनहूस। क्या है बे? क्या है बे? अरे आई लव यू मेरे जीजाजी, आई लव यू। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। चलो जीजा ये तुम्हारे लिए पूरा 2000 है। जीजा उस दिन ना तुझे गले पे बैठा हुआ था उधर मुंडी करके, हाँ तो मैंने तेरे गले में से पार कर लिया था, मां का तेरे को पता ही नहीं चला भाई। देखा देखा दरोगा जी ये दरोगा जी आपके लिए भी मैं एक चीज ले गया हूँ, एक मिनट मेरी जान मैं निकाल रहा हूँ, ये देखिए ये लीजिए ये आपके लिए, आराम से पकड़ना लगना जाए तुम्हारी उंगली कट के ना कर जाए। अरे मंगी साहब, मंगी साहब कैसे हो मेरा भाई? अरे तुम्हारे लिए भी बोल गया हुआ, एक मिनट रुक जाएगा। ये रहा साहब आपका, लीजिए पकड़ लीजिए साहब। साले क्यों कब से ढूंढ रहा था मैं पुष्पा,
ओ पुष्पा, अरे कैसे देख रही है, हमको भी देखो, कैसी बात है। एक मिनट, मैं आपके लिए भी लेकर आया हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे भी बहुत हमदर्दी करता हूँ। एक मिनट एक मिनट, ये देखिए, आप इससे अपने बाल जो है ना सिल्की सिल्की करती ना, एकदम अच्छे से करती रहो हमेशा के लिए। हैप्पी होली एवरीबॉडी, समझ गए। आज के दिन छटंकी का खजाना आम आदमी के लिए बिल्कुल खुला हुआ है। ऐश करो, मस्ती करो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं,